हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि पता है आप सबको कि कोरोना चल रहा है, तो सभी लोग घर पे ही हैं, तो स्टडी मटेरियल सभी के पास होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमें है ना समझ में नहीं आती। स्टडी के लिए मटेरियल सबके पास में होता है, मटेरियल प्रोवाइड हो भी जाता है अगर हम इधर उधर से ट्राई करें तो। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमें ना समझ नहीं आती कि ये वाली चीज़ जो है ये कैसे होगी, इसका क्या मतलब है। लाइन को पढ़ना ही ओनली स्टडी करना नहीं है कि हमने लाइन को पढ़ा, कुछ समझ नहीं आ रहा फिर भी हमें लग रहा है कि हाँ ठीक है हमने पढ़ लिया ना एक बार, ठीक है। नहीं, कोई भी चीज़ आप पढ़ो ना उसका कंक्लूज़न निकाला करो। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछो, जितना मुझे पता है मैं आपको बताने का ट्राई करूँगी। अगर आपको मेरी क्लासेस में दिए गए कंटेंट में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की, तो वहाँ से आप टेलीग्राम जो चैनल है और ग्रुप है दोनों, उन दोनों को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर डेली क्विज़ होती है आपके लिए, तो आप वहाँ से उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। और जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि जो एग्रीकल्चर के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, जो यंत्र जो उपकरण यूज़ में लिए जाते हैं मेज़रमेंट के लिए, जैसे हवा की दिशा को मापने के लिए, गति को मापने के लिए, तो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिले तो आप वीडियो को देख पाओ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं एनीमोमीटर की। तो एनीमोमीटर की बात करते हैं। एनीमोमीटर क्या होता है? विंड स्पीड या फिर वेलोसिटी को मापने के लिए, यानी कि विंड की स्पीड कितनी है उसे मापने के लिए जिस मीटर का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर। या फिर क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विंड स्पीड या फिर वेलोसिटी को मापने के लिए किस मीटर का यूज़ किया जाता है, तो एनीमोमीटर। और चाहे आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाए कि एनीमोमीटर का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है? विंड स्पीड और वेलोसिटी के लिए। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? चाहे मीटर का नाम देके उसका यूज़ पूछा जाए, चाहे यूज़ देके उसका नाम पूछा जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्मोग्राफ की। एनीमोमीटर का आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। एनीमोमीटर जो है इनमें से ये वाला जो है ये एनीमोमीटर है, ठीक है? इस टाइप का होता है एनीमोमीटर। और नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक के लिए। अर्थक्वेक को ये वाला जो है सिस्मोग्राफ, ठीक है, अर्थक्वेक के लिए ये यूज़ में लिया जाता है, अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट क्या है? पाइरेनोमीटर है। पाइरेनोमीटर का क्या है? टोटल इनकम सोलर रेडिएशन, जितनी भी सोलर रेडिएशन जो सन से आती है, सूर्य से पृथ्वी पे, उसे मापने का काम करती है, उसके मेज़रमेंट का काम करती है। कौन सा? ये वाला है पाइरेनोमीटर। ओके, नेक्स्ट बात करती हैं एल्बिडोमीटर की, जो कि क्या है? रिफ्लेक्टिविटी को मापने का, यानी कि जो रिफ्लेक्ट होती है सोलर वापस जाती है उसे मापने के लिए, तो ये एल्बिडोमीटर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेट रेडियोमीटर की। नेट रेडियोमीटर क्या करता है? नेट रेडिएशन को मापने का काम करता है, ये वाला क्या है? नेट रेडियोमीटर। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वांटम सेंसर की। क्वांटम सेंसर क्या करता है? PAR, यानी कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव, सॉरी यहाँ पे एक्टिव था रेडिएशन। ओके, PAR, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, तो इसलिए PAR को मापने के लिए, यानी कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो होती है उनको मापने के लिए क्वांटम सेंसर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाइरेलियोमीटर जो है उसके बारे में। तो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को मापने के लिए, जितनी भी डायरेक्ट सोलर रेडिएशन है उन्हें मापने के लिए पाइरेलोमीटर का यूज़ किया जाता है। फिर है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर किस लिए यूज़ में लिया जाता है? सोलर रेडिएशन इन नैरो वेव बैंड्स, सोलर रेडिएशन को नैरो वेव बैंड में मापने के लिए। और थर्मोमीटर की बात करें तो टेम्परेचर मापने के लिए। तो थर्मामीटर नॉर्मली आपने देखा होगा, वो वाला थर्मामीटर जो टेम्परेचर मापने के लिए यूज़ में लिया जाता है। फिर एंड्रॉइड बैरोमीटर। एंड्रॉइड बैरोमीटर किस लिए काम में लिया जाता है? एटमोस्फीरिक प्रेशर के लिए एंड्रॉइड जो बैरोमीटर है उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वन सेकेंड,
विंड वैन की, तो आपने एक एनीमोमीटर पढ़ा था, उसमें आपने देख लिया था विंड वैन, ये वाला जो है ना, ये विंड वैन होता है, आपने लगा हुआ देखा होगा, ये वाला क्या है, विंड वैन है। ओके, तो विंड वैन किस लिए, विंड की डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन कौन सी है, ये देखो इस पे लिखा हुआ है ना, डायरेक्शन लिखी हुई है कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, यानी कि जो हवा जो है, विंड जो है, वो कौन सी डायरेक्शन से चल रही है, उसे मापने के लिए विंड वैन का यूज़ किया जाता है। फिर है कि साइक्रोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोग्राफ और एक होता है हाइग्रोमीटर। तो याद रखना कि साइक्रोमीटर जो है उसका सेकंड नाम क्या है, हाइग्रोमीटर है, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही नाम है दोनों। तो ये किस लिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए। ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइग्रोग्राफ की, ठीक है, वो जो डायग्राम है सेकंड, वो हाइग्रोग्राफ का, इसमें क्या है कि कंटिन्यूस रिकॉर्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है ना, उसे मापने के लिए क्या करता है कि हाइग्रोग्राफ का यूज़ किया जाता है। ओके, हाइग्रोस मीन वाटर, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए, और इवेपोरीमीटर का, इवेपोरेशन, वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इवेपोरीमीटर का। फिर रेन गेज की बात करें तो रेनफॉल, जो वार्षिक वर्षा होती है, घरों में वगैरह में लगाई होते हैं ना रेन गेज की, कितनी बारिश हुई है उसके लिए, तो उसे बोलते हैं हम रेन गेज। आप नेट पे सर्च करोगे ना तो इजीली आपको ये डायग्राम मिल जाएंगे, उसे क्या बोलते हैं, रेन गेज, यानी कि रेन को मापने के लिए जो मेजरमेंट यूज़ में लिया जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ में लिया जाता है, उसे हम बोलते हैं रेन गेज। नेक्स्ट है जिप्सम ब्लॉक, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, सोइल मॉइस्चर इन सीटू के लिए, ठीक है। और एक है इनफिल्ट्रोमीटर, इसका इनफिल्ट्रेशन रेट को मापने के लिए, इनफिल्ट्रेशन रेट को मापने के लिए इनफिल्ट्रोमीटर, ठीक है, ये तो याद रह ही जाएगा। फिर है लाइसीमीटर, लाइसीमीटर क्या होता है, परकोलेशन और लीचिंग लॉस को मापने के लिए, यानी कि लीचिंग लॉस कितना हुआ है, पानी जो है वो नीचे की तरफ, ये देखो इस टाइप से होता है लाइसीमीटर, पानी जो है वो नीचे की तरफ कितना गया है, ये सोयल के नीचे लगाया जाता है। ओके, ये देखो ये ऊपर सोयल है, इसके ऊपर ये क्या है, क्रॉप्स लगी हुई है, और यहाँ पे इसे अंदर लगाया गया है। तो ये कौन सा है, लाइसीमीटर, जो कि परकोलेशन और लीचिंग से जो लॉस होता है उसे मेजरमेंट करते हैं कि कितना लॉस होता है। फिर है शेडिंग पायरेनोमीटर, शेडिंग पायरेनोमीटर कौन सा है, ये सेकंड वाला जो है ना, ये है शेडिंग पायरेनोमीटर, ये दोनों डायग्राम्स शेडिंग पायरेनोमीटर के ही हैं। तो शेडिंग पायरेनोमीटर में क्या होता है, ये डिफ्यूज सोलर रेडिएशन को मापने का काम करते हैं, डिफ्यूज जो सोलर रेडिएशन है उसे मापने का काम करते हैं। फिर है परमियामीटर, इसका यूज़ परमिएबिलिटी ऑफ सॉयल को मापने के लिए, सॉयल की जो पारगम्यता है उसे मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर है पीच एटोमीटर, तो इसका यूज़, सॉरी एटमोमीटर, तो इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, इवेपोरेट रेट ऑफ वाटर, ठीक है, को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर है पीजोमीटर, तो डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, वाटर टेबल की डेप्थ कितनी है इसको मेज़र करने के लिए पीजोमीटर का यूज़ किया जाता है। और क्लिनोमीटर का यूज़ हाइट मापने के लिए किया जाता है। और टेंसियोमीटर की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स पोटेंशियल को मापने के लिए टेंसियोमीटर का यूज़ किया जाता है। और इंफ्रारेड थर्मोमीटर का यूज़ क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। ये देखो डायग्राम, ये रहता है टेंसियोमीटर का डायग्राम, और ये है इंफ्रारेड थर्मामीटर जो है उसका डायग्राम, ठीक है। इंफ्रारेड थर्मामीटर का वो येलो वाला डायग्राम है, और सेकंड जो है मैट्रिक पोटेंशियल, तो ये कौन सा है, ये वाला जो डायग्राम है ये टेंसियोमीटर का है। फिर हम बात करेंगे हाइड्रोमीटर, ऊपर हमने हाइग्रोमीटर पढ़ा था, ये है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर में क्या है, क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर यानी वातावरण के अंदर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, जो नमी है, उसे मापने के लिए क्या करती हैं, हाइड्रोमीटर का यूज़ करती हैं। फिर है ऑक्सेनोमीटर, तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है ना, पौधे की जो ऊंचाई ग्रोथ होती है, ये देखो ये क्या है, पायरेनोमीटर है, ये देखो प्लांट की लंबाई हाइट को मापने के लिए, ग्रोथ को मापने के लिए पायरेनोमीटर का यूज़ किया जाता है, ये वाला क्या है, हाइड्रोमीटर। फिर है लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर का यूज़ किस लिए किया जाता है, लैक्टोज और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क, ये आपको पता ही होगा कि मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी और लैक्टोज को मापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है। फिर है ब्रिक्स हाइड्रोमीटर, तो टोटल सोल्यूबल सॉलिड इन सुगर केन। और मैनोमीटर का यूज़ किस लिए किया जाता है, रूट प्रेशर के लिए, रूट के प्रेशर के लिए।
और प्लानोमीटर की बात करें तो लीफ एरिया को मापने के लिए लीफ का एरिया कितना है, जो पत्ती जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, लीफ जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसका एरिया कितना है, उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, प्लानोमीटर का। और मैनोमीटर का यूज़ किस लिए किया जाता है, रूट प्रेशर के लिए। ठीक है, ये डायग्राम एक बार फिर से देख लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये जितनी भी वीडियोस हैं आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, बहुत वीडियोस हैं जो अपलोड की गई हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही लेके आऊँगी मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो।